पुलिस क्षेत्राधिकारी देवबंद रामकरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाना पुलिस के किन्नर बनकर स्टेट हाईवे पर वाहन चालकों के साथ लूटपाट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके कब्जे से मेकअप करने का सामान, महिलाओं के कपड़े, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी देवबंद रामकरण ने बताया कि 8-9 अक्टूबर की रात्रि स्टेट हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर से महिला के रूप में ब्लैकमेल करते हुए उससे करीब 16,000 की नकदी लूट ली, जिसके संबंध में थाना नागल पर पीड़ित ट्रक ड्राइवर के द्वारा 12 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पुलिस ने तलाश जारी कर दी थी। नागल क्षेत्र में, थाना नागल क्षेत्र में अभी दिनांक 8-10-2022 को एक घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को उससे 16,000 से 17,000 रुपए लगभग छीन लिया गया था। उस मुकदमे का हमारे यहाँ FIR भी रजिस्टर्ड हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 238/22 लिखा गया था। उसके संबंध में SSP साहब और SPRA साहब के निर्देशन में हमारी नागल पुलिस की टीम जो है लगी हुई थी कि ये इस घटना को दोबारा, ऐसी कोई घटना हमारे क्षेत्र में ना हो। इसी के क्रम में जो है हमारी टीम ने कल जो है रात में जो है लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है 4 लोगों को जो है राधा स्वामी सत्संग के पास से गिरफ्तार किया है, जिसमें ये लोग उसका कार्य करते थे कि ये एक तो लेडीज बन जाते थे, जिससे जो है ट्रक ड्राइवरों को टार्च की रोशनी में जो है मारते थे, खड़ा करते थे, उन्हें ले जाकर उनके साथ जो है बातचीत करने के बाद ने जो है अपने कब्जे में लेकर जो है इनसे पैसे वैसे छीन लिया करते थे। ये घटना जो है आज इसका सफल आनावाना नागर पुलिस द्वारा किया गया है। इनमें जो है एक जो सूफियान है उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है, एक जिंदा खोखा कारतूस भी मिला हुआ है, तथा अमन, अहमद और मुस्लिम 3 इनके गैंग के और सदस्य हैं, जिसमें से मुस्लिम जो है सबसे सक्रिय सदस्य है। इसी के निर्देशन में ये लोग काम करते हैं। ये जो है सभी लोग रहने वाले थाना जो है छपार जिला मुजफ्फरनगर के, जो कि ट्रेन से आते थे और ये इसी तरह से जो है ड्राइवरों को अपने जो है उसमें जाल में फंसा कर उनके साथ लूटपाट की घटना किया करते थे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।